गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जॉन्टिक गेमिंग। और गाइस, पहले तो आप सबका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। पिछली वीडियो को आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, अगर किसी का कमेंट रह गया है तो उसके लिए सॉरी। तो चलो अब बात करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। तो गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूँ सोलो टिप, और वो सोलो टिप ये है कि आपको लैंडिंग कैसे करनी है। तो आज मैं वही टिप देने वाला हूँ आपको कि आपको अगर रश गेम खेलना है, लाइक क्लॉक टावर उतरना है या ब्राज़ीलिया उतरना है, तो इन जो दो जगहों पे आपको कैसे सर्वाइव करना है रश गेम प्ले में। आप में से कई ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि हीरोइक पहुंच चुका हूँ, अब मैं रश गेम खेलूंगा, मुझे सर्वाइव नहीं खेलना है। तो ठीक है गाइज, आप सब ये सब अप्लाई करना, ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ में लाना, क्योंकि इसमें जो मैं टिप देने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जो रश खेलते हैं। अगर आप सर्वाइव खेलते हो तो मेरे उसकी टिप्स आपको पहले दे रखी है कि आपको हीरोइक कैसे जाना है। ये वाली जो वीडियो है वो इसलिए है कि अगर आपको रश गेम खेलना है क्लॉक टावर या ब्राज़ीलिया उतर के, तब आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइज, मैं पहला टॉपिक उठाता हूँ। मेरा पहला टॉपिक होगा क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर पर हम कैसे लैंडिंग करें उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। चलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर में गाइज आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, तो उसके गाइज मैं आपको तीन पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, आप हमेशा घर में उतरते हो, ठीक है। जो बाहर उतरते हैं वो तो चलो मैं उनको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो घर में उतरते हैं, तो घर में क्या होगा, आपको गन मिल जाएगी, एनिमी को गन नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करा, एनिमी को मार दिया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि आप घर में उतरे, आपने एनिमी को मार दिया, आपको गन मिली। दूसरा पॉइंट, चलो आप घर में उतरे, ठीक है, हो सकता है इस बार आपको गन ना मिले, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे गन मिली है और बंदे को गन नहीं मिली, लेकिन बंदे के पास क्या है, फिस्ट है, उसने एक फिस्ट मारा, क्ला है उसके पास, एक फिस्ट मारा, पूरा का पूरा खत्म। तो दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। चलो अब मैं उतरा यहाँ क्लॉक टावर के घर में, ठीक है, अब हो सकता है कि मुझे गन ना मिले। देखो गाइस, मुझे गन नहीं मिली है और उसको MP40 मिली हुई है, तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ गन ढूंढने, गन नहीं मिले। वो देखो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके पास गन है और मेरे पास गन नहीं है, मैं अपनी जान बचा के सिर्फ भाग रहा हूँ। भाई ये देखो, मैं भागता जा रहा हूँ किस लिए, क्योंकि मेरे पास गन ही नहीं मिली है। अब मुझे SKS मिली है यहाँ पे, और मैंने क्या करा, SKS मारा, अचानक से गलती से उसको हेडशॉट पड़ गया। तो गाइज, हमें कभी भी घर में नहीं उतरना है। टिप नंबर वन जो क्लॉक टावर में है, हमें कभी भी घर में नहीं उतरना है। घर में मैंने आपको तीन पॉइंट बता दिए, या तो एनिमी को गन मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी तब भी आप मरोगे, एनिमी के पास अगर क्ला है और आपके पास नहीं है तो भी आप मर जाओगे, क्योंकि अगर क्ला का एक फिस्ट पड़ा तो आप खत्म हो जाओगे। तीसरा पॉइंट, चलो उसको गन मिल गई है, आपको गन नहीं मिली है तो आपको भागना पड़ेगा, तो भी आप मर जाओगे। तो कभी भी ब्लैक घर में नहीं उतरना है, ठीक है। तो मैं टिप नंबर टू आपको बताने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप सोचोगे कि यार अगर ब्लैक घर में नहीं उतरना तो कैसे उतरना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइज। अब आपको क्या करना है, जब भी आप लैंडिंग करो तो आपको हमेशा बाहर के एरिया में उतरना है। बाहर के एरिया में भी कहाँ उतरना है, जहाँ पे गन पड़ी हो, क्योंकि अगर बाहर गन पड़ी होगी तो आप लैंड करना और आराम से गन उठा लेना, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई और भी लैंडिंग कर रहा है वहाँ पर गन के ऊपर, तो आप अपना रास्ता बदल लेना, ठीक है। जैसे पैराशूट से उतरोगे, आप अपना रास्ता बदल लेना और दूसरी गन पे जाके वहाँ पर लूटना, क्योंकि अगर आपको गन नहीं मिली और उसको गन मिल गई लैंड करते वक्त, तो भी आप मर जाओगे। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे लैंडिंग की है MP40 के ऊपर, इतने सारे बंदे आए थे फिर भी मैं साइड में उतरा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे गन पड़ी थी। अब ये बंदा उतरा है और इसके सामने मैं गन लेके खड़ा हूँ, तो इसके पास गन नहीं है और मेरे पास गन है। अगर यही सीन आपके साथ होता, आप उतरते किसी एनिमी के साथ और उसको गन मिल जाती और आप फिर डाउन हो जाते, मर जाते गाइस, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा लैंडिंग करनी है ऐसी जगह जहाँ पर गन पड़ी हो। आपके साथ अगर कोई और एनिमी उतर रहा है तो आपको साइड हो जाना है, उसके साथ फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि विदाउट गन हमें नहीं मरना है। बेशक जब गन लेके मर जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार रश खेलेंगे तो मरेंगे और मारेंगे, सिर्फ ये काम होता है। तो अगर मेरे को गन ही नहीं मिलेगी तो मैं क्या फ़ायदा मारने का। तो गाइज आपने देखा, ये मेरी पहली टिप है कि क्लॉक टावर में आपको कैसे रश खेलना है।
तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ब्राजीलिया में। तो गाइज ब्राजीलिया में हम कैसे अपने आप को रश गेम खेले वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज यहाँ पर भी आप ब्लैक घर में घुसते हो, ठीक है, ब्लैक घर में लैंड करते हो। तो यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पे मिलती है M14, ठीक है, और सामने वाले बंदे के पास गन ही नहीं है। तो ऐसा सीन आपके साथ भी हो सकता है कि आपको घर में गन ना मिले, उसको घर में गन मिल जाए। तो देखो अभी उसके साथ ऐसा हो रहा है, शायद आपके साथ भी ये हो सकता है। तो इसीलिए गाइज आपको क्या करना है कि कभी भी घर में लैंडिंग नहीं करनी। सपोज आप उसकी जगह होते जो अभी भाग रहा है ये बंदा, ये आप होते और ये एनिमी होता तो मर जाते, क्योंकि आपको तो गन मिली नहीं है। और वो देखो उसको मैंने कितनी जल्दी मार दिया। तो गाइज हमें रश करना है, लेकिन रश कैसे करना है, गन्स लेके। विदाउट गन लेके कोई रश होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है हमेशा लैंडिंग वहां करनी है जहां पर कोई और एनिमी ना आ रहा हो और वहां पर गन पड़ी हो। अब देखो यहां पर मुझे कितने सारे एनिमी दिख रहे हैं, मैं हमेशा ऊपर देखता रहता हूं ताकि एनिमी को देखूं। अब ये एनिमी घर के अंदर जा रहा है ब्लैक वाले में, अगर मैं भी गया और मुझे गन नहीं मिली तो इसीलिए मैंने क्या करा, साइड वाले घर में लैंडिंग करी, क्योंकि यहां पर कोई नहीं उतरा था। अब यहां पर देखो मुझे P90 MP40 वेस्ट सब मिल गया। अब मेरी बारी है भाई रश करने की, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। ये देखो भाई मेरे को गन मिल चुकी है, मेरे पास गन्स है, वेस्ट है, सब कुछ है। अब मैं आराम से रश गेम प्ले खेल सकता हूँ। तो गाइज आपको ये टिप फॉलो करनी है, हमेशा लैंडिंग वहां करनी है जहां पे गन पड़ी हो। दूसरी कि वहां पर कोई और एनिमी ना उतर रहा हो, अगर कोई और एनिमी उतर रहा है तो आप साइड हो जाओ भाई, दूसरी जगह जाके लूट लो, उसके बाद मारेंगे। अब देखो मेरे पास MP40 है, मेरे पास गन्स है, तो रश करने का मजा ही अलग है गाइज। अब तो गाइज मैं हमेशा अपना रश गेम प्ले ऐसे ही खेलता हूँ, हमेशा लैंडिंग करता हूँ जहाँ पर गन पड़ी हो। एक बार मुझे गन मिल गई तो भाई कम से कम मेरे पास लड़ने के लिए गन तो है ना। अब मेरे पास जब गन ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से लड़ूंगा। आप यही गलती करते हो कि गाइज तुझे गन मिल गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे को गन मिल गई तो एनिमी मर जाएगा। सिंपल यही आप रूल करते हो, ये नहीं करना है, ये रूल फॉलो मत करो गाइस। आपको क्या करना है भाई, तेरे पास गन मिल रही है ठीक है, मैं अलग घर में जा रहा हूँ, मेरे को वहां पे गन मिलेगी और एक बार मुझे गन मिल गई तो उसके बाद मारूंगा। भाई विदाउट गन मरना बहुत गंदा लगता है, तो इससे अच्छा है कि भाई मेरे पास गन होगी और गन होके मैं मरूंगा तो वो ज्यादा बेटर है विदाउट गन मरने के, कम से कम मैं फाइट करके तो मरूंगा ना। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना, इस टिप्स को बहुत अच्छी टिप्स है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।